Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Geetanjali. Today we are going to learn most important and very interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is Molecular Basis of Inheritance. So bachcho, aaj hum padhenge Molecular Inheritance. Bachcho, humne pichle class mein padha tha jo inheritance hota hai, theek hai, ek matlab ki transformation hota hai gene ka hamare parents se offspring tak, to is known as inheritance. तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे उसी का molecular basis, ठीक है? तो इसमें अब मतलब कि अगर हम molecular basis पढ़ेंगे inheritance का, तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों? DNA और RNA. So बच्चों DNA और RNA की बात करें तो DNA को क्या कहते हैं बच्चों? DNA एक हमारा क्या है बच्चों? DNA हमारा एक molecular है जो कि हमारे living organism में पाया जाता है, जिसको मतलब कि जिसका full name है deoxyribonucleic acid. और जब बात करें हम RNA की, तो ये है हमारा ribonucleic acid जो कि दो टाइप का nucleic acid से मतलब कि nucleic acid से बना है. और ये हमारे किस में पाया जाता है? ये हमारे living organism में पाया जाता है बच्चों. जो DNA होता है ये हमारा as a genetic material act करता है most of living organism. बात करें अगर हम RNA की, तो act होता है genetic material, but कुछ organism में या फिर कुछ plants में जो help करता है replication में, ठीक है, और कुछ help करता है messenger, ठीक है. और ये ज़्यादातर mostly virus में पाया जाता है. ओके बच्चों, तो इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों? इनका फंक्शन होता है एडेप्टर स्ट्रक्चर और कुछ केस में कैटालिटिक मॉलिक्यूल में. मतलब जो डीएनए होता है ये हमारा एक लॉन्ग पॉलीमर होता है जो कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, ठीक है. और जो इनका जो पेयर होता है न्यूक्लियोटाइड का, इसको क्या बोलते हैं? इसको बेस पेयर बोलते हैं. और जो इनका लेंथ होता है ये डीएनए होता है, जिसको डिफाइन करते हैं एज अ नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जो कि उसमें प्रेजेंट होता है बच्चों. बात करें हम इचेरिया कोली, जो कि एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि मतलब कि जिसमें कि 4.6 × 10^6 बेस पेयर होता है. और ये हैप्लॉइड नेचर के होते हैं जो कि मोस्ट ऑफ ह्यूमन में पाया जाता है. और इसका 3.3 × 109 बेस पेयर होता है, ठीक है बच्चों. बात करें स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो बच्चों ये जो है हमारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये हमारा पहले तो बना है न्यूक्लियोटाइड. सो बच्चों जो न्यूक्लियोटाइड है ये हमारे थ्री टाइप्स के होते हैं. पहला होता है नाइट्रोजीनियस बेस, दूसरा होता है हमारा पेंटो शुगर, तीसरा होता है हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है. तो जो हमारा जो नाइट्रोजन बेस है उसमें हमारा प्यूरिन और पिरामिन है फर्दर डिवाइडर पर. जो प्यूरिन है उसमें क्या पाया जाता है? उसमें एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है. बात करें पिरामिन की, उसमें साइटोसिन, यूरेसिन और थायमिन पाया जाता है. पेंटो शुगर की बात करें तो उसमें राइबोस और डी ऑक्सी राइबोस भी पाया जाता है. सो बच्चों देखो, जो मैंने अभी आपको वैसे डायग्राम से समझाया था, बट मैं आपको वैसे समझाती हूँ रिटर्न फॉर्म में, ठीक है. जो न्यूक्लियोटाइड है ये हमारे थ्री कंपोनेंट है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज और हमारा हमारा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है. जो हमारे जो दो टाइप के नाइट्रोजन बेस पेयर है ये प्यूरिन और पिरामिन से बना है. जो प्यूरिन है ये हमारा एडेनिन और ग्वानिन से बना हुआ है. जो पिरामिन है ये हमारा साइटोसिन, यूरेसिन और थायमिन होता है, ठीक है बच्चों. इसका अगर मॉलिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये हम हायर एजुकेशन में पढ़ते हैं. बात करें जो साइटोसिन है ये हमारे दोनों में कॉमन होता है, ये हमारे डीएनए और आरएनए में पाया जाता है. पर जो थायमिन होता है सिर्फ हमारे किस में पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है. और बात करें यूरेसिल, जो कि हमारे डीएनए में पाया जाता है जो और मतलब कि थायमिन की जगह, ठीक है बच्चों. आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हो, ठीक है. ये एक हमारा सिंपल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, इसमें फास्फेट ग्रुप भी है, फिर हमारा क्या है हमारा पेंटोस शुगर भी है, फिर एडेनिन है, ठीक है. ऐसे करके आप फिर से चेन देख सकते हो. ये हमारा क्या है? थायमिन है, फिर ये हमारा ग्वानिन है और ये हमारा साइटोसिन है, ठीक है बच्चों. तो अब बात करें डिफरेंस बिटवीन डीएनए वर्सेस आरएनए. तो डीएनए वर्सेस आरएनए की बात करें तो इनमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है बच्चों. जो हमारा जो डीएनए होता है इनमें शुगर प्रेजेंट रहता है जो कि 2-deoxy-D-ribose होता है. और ये जो डीएनए होता है, और बात करें आरएनए की, इनमें शुगर प्रेजेंट रहता है हमारे आरएनए ID1-ribose में, ठीक है. और जो हमारा जो डीएनए होता है इनमें साइटोसिन और थायमिन पाया जाता है जो कि हमारा पिरामिड बेस है, और ग्वानिन और एडेनिन
जो कि हमारा प्यूरिन बेस है। बात करें डीएनए की, जिसमें से साइटोसिन और यूरेसिल पिरामिड बोन मतलब कि बेस है, और जो ग्वानिन है वो हमारा एडिनिन एज अ प्यूरिन बेस है। जो डीएनए जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को शो करता है। बात करें हम आरएनए की, जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को शो करता है। बच्चे जो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग होते हैं, मतलब लार्ज होते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर मास होता है 10^6 - 6 × 10^-µ। ठीक है, और मॉलिक्यूलर की बात मतलब कि डीएनए की बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर मास होता है हमारे 220,000 से 240,000 तक। ओके बच्चों, सो बच्चों अब है हमारा डबल हेलिक्स मॉडल फॉर स्ट्रक्चर डीएनए, जो कि जेम्स वास्टन और फ्रांसिस क्रिक ने दिया था, जो कि एक एक्सरे डिफ्रैक्शन हो गया था डाटा में, जो जिन्होंने प्रोड्यूस किया था हमारे विकिन और रोसालिन ने, जो प्रपोज हुआ था एज अ मॉडल ऑफ डीएनए। बच्चों आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं ये हमारा क्या है, हमारा एक डीएनए का नॉर्मल डीएनए का स्ट्रक्चर है, जिसमें कि हमारा बेस पेयर भी पाया जाता है। बच्चों बेस पेयर हमारा एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन और यूरेसिन भी हो सकता है। ठीक, सॉरी बच्चों यूरेसिन सिर्फ हमारे किस में पाया जाता है, आरएनए में पाया जाता है। और जो ये हो जो तो ये होता है ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन होता है इनका। ओके, साइलेंट फीचर देख लेते हैं इस मॉडल का। जो बच्चों जो डीएनए जो मॉडल है ये हमारा बना है दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन से, जिसमें कि बैकबोन जो है ये हमारा फॉस्फेट से बना है, और जो बेस है ये हमारा बेस जो मतलब कि जो बेस पाया जाता है ये हमारे डीएनए के अंदर होता है। बच्चों आप कुछ देख सकते हो, जो हमारा जो डीएनए है वो कुछ ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा शुगर फॉस्फेट है, और जिनके बीच में होता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा बेस पेयर होता है। ठीक है, बेस पेयर बच्चों क्या क्या होता है, एडेनिन ग्वानिन थायमिन। ठीक है, और जो दो चेन होता है ये एंटी पैरेलल होते हैं और पोलैरिटी नेचर के होते हैं, जैसे कि 3 to 5 और हमारा होता है 3 से 5 और 5 से 3। ठीक है, और जो इनका जो बेस होता है ये जो बेस होता है ये दो स्टैंडर्ड बेस होता है, जिसमें कि एच बॉन्ड होता है, और एडेनिन और थायमिन होता है ये हमारे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, और ग्वानिन और साइटोसिन होते हैं ये हमारे ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड शो करते हैं। दो चेन होता है जो कॉइल्ड होता है हमारे राइट सैंड एज मतलब कि राइट सैंड की तरह, और जिनका जो हेलिक्स होता है ठीक है तो ये हमारा 3.5 nm होता है, और जो रफली होता है बेस पेयर ये हमारा बीपी होता है एक टन में। ठीक है, और जो प्लेन बेस पेयर की बात करें तो हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर हो जाएगा। बच्चों आप ये डायग्राम में देख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब है हमारे जो फैंकरिस थे जिन्होंने कि सेंट्रल रोमा मतलब कि प्रपोज किया था, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जिसमें कि हमारा जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो डीएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बनाता है प्रोटीन, तो इज नोन एज सेंट्रल रोमा। तो इनमें क्या होता है कि जो हमारा जो डीएनए, डीएनए का पहला रेप्लिकेशन होता है एज अ केमिकल रेप्लिकेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से हमें क्या मिलता है, एमआरएनए जो कि मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, फिर ट्रांसलेशन होता है, फिर उसके बाद हमें क्या मिलता है, मतलब इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन के बाद हमें फर्दर प्रोडक्ट क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा, इस प्रोसेस को सेंट्रल रोमा कहते हैं। ओके, ऐसी करके अगर प्रोकैरियोटिक मतलब कि प्रोकैरियोटिक बात कर, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें न्यूक्लियस मोस्टली एब्सेंट होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं डीएनए, जो कंबाइन होते हैं हमारे पॉजिटिव चार्ज से जो कि हमारा प्रोटीन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और जो हमारे जो यूकैरियोटिक मतलब कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें हिस्टोन पाया जाता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज होते हैं पोजिशन में, और उनका जो फॉर्म होता है 8 मॉलिक्यूल्स है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हिस्टोन ऑक्टामर्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जो नेगेटिव चार्ज डीएनए होता है ये हमारा रैप्ड होता है हिस्टोन ऑटोमर से, तो हमें क्या मिलता है, तो हमें न्यूक्लियोसोम मिलता है। ठीक है बच्चों, और जो हमारा जो हिस्टोन होता है ये इनमें क्या होता है कि इनमें बहुत सारा एमिनो एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से लाइसिन और एरिसिनाइन होता है, जो दोनों एमिनो एसिड रेसिडियो होते हैं पॉजिटिव चार्ज, जो कि साइड चेन होता है, जो सिंगल न्यूक्लियोसोम का जो होता है उनमें 2000 बेस पेयर होते हैं। ओके बच्चों, और जो क्रोमेटिन होता है ये हमारा रिपीटिंग यूनिट होता है न्यूक्लियोसोम का। बच्चों आप यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप मैंने तो सिर्फ यहाँ पे पेस्ट किया है, बट आप यहाँ पे बना लेना। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें हमारा डीएनए भी पाया जाता है, और 1 हिस्टोन ऑक्टोमर्स, ठीक है, और कोड ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, जो कि ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में हर साल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है बच्चों,
तो बच्चों जो न्यूक्लियस होता है ये हमारा क्रोमेटिन होता है जो कि लूजली पैक्ड होता है, जिसकी वजह से जो स्टेन होता है लाइट ये हमारा रिफर करता है एज अ यूक्रोक्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन होता है ये हमारा डेंसली पैक्ड होता है और स्टेन डार्क होता है, जिसकी वजह से क्या बोलते हैं इसको हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जो यूरोक्रोमेटिन होता है ये हमारा ट्रांसक्रिप्शनल एक्टिव क्रोमेटिन होता है, जिसकी वजह से जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है ये हमारा इनएक्टिव होते हैं। बच्चों अब पढ़ते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो बच्चों क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तो पहले आता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। तो इनमें क्या होता है कि जो हमारे जो फेडरिक ग्रिफ थे 1928 जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हमारे बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया, जो कि रिस्पॉन्सिबल था हमारा निमोनिया कॉज करता था। बच्चों एक बैक्टीरिया था, ठीक है बच्चों, बैक्टीरिया बहुत टाइप के होते, तो उनमें से एक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया लिया था जो कि क्या कॉज करता है, जो कि निमोनिया कॉज करता है। इनमें होता है क्या है, जो दो टाइप के स्टेन होते हैं बैक्टीरिया में, जो प्रोड्यूस करता है एज अ स्मूथ शाइनी कॉलोनीस जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और जो हमारा अदर जो प्रोड्यूस करता है रफ कॉलोनीस जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या था, जो माइस मैंने कि चूहा था, जो हमारा जो माइस था वो इन्फेक्टेड था हमारे एस स्टेन वायरुलेंट जो मर गया था निमोनिया इन्फेक्शन की वजह से। बट जो हमारा जो माइस था वो इन्फेक्टेड किया गया था एसिस्टेंस से, जो हमारा जिनमें कि डेवलप नहीं हुआ था निमोनिया। तो इनमें क्या हुआ था कि जो एसिस्टेंट है वो इंजेक्ट किया गया था माइस में, तो वो मर गया, ठीक है। पर जब हम जो स्टेन है वो इंजेक्ट किया गया था हमारे माइस में तो वो मर गया, क्यों, क्योंकि एसिस्टेंट की वजह से जो स्टेन था वो अब बच्चों जो हीट किलिंग था दोनों वो हमारा इंजेक्टेड किया गया था माइस में, तो क्या हो गया था, माइस लाइव हो गया था। तो जो हमारे जो हीट किल्ड और जो हमारा आर स्टेन लाइव है वो मतलब कि इंजेक्ट किया गया था हमारे माइस में, जिसकी वजह से हमारा माइस जो थे वो मर गए हैं, ठीक है। जो ग्रिफ्ट जो है उन्होंने बताया था जो आर स्टेन बैक्टीरिया है उनमें क्या है कि उनमें ट्रांसफॉर्म हुआ था हीट किलिंग एस स्टेन बैक्टीरिया, जिसकी वजह से वो डेथ हो गए। तो ये जो हुई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है हमारा एस स्टेन का आर स्टेन से, जो कि आर स्टेन से ये सिंथेसिस किया एक स्मूथ पॉलीसाइटेड कोड, जिसके वजह से बायलेंट नेचर हो गया, ठीक है। और ये जो ट्रांसफर हुआ ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल हुआ है। ओके बच्चों अब मतलब कि अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग बाय ऑक्सफर्ड ओवरी, तो जो उन्होंने कॉइन किया था, और मैकमोल और मेलकेन और एम सी कार्टी जिन्होंने वर्क किया था और डिटरमाइन किया था हमारा बायोकेमिकल नेचर ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ऑफ गिफ्ट। तो इनमें क्या हुआ था कि जो प्योरीफाइड किया गया था बायोकेमिकल को एज अ प्रोटीन डीएनए आरएनए, तो हीट किलिंग एस था, ठीक है, वो हमारा क्या था बच्चों, वो ट्रांसफॉर्म था हमारा जो कि लाइव आर सेल में आर सर्व से आर से। तो इन्होंने डिस्कवर किया था जो आरएनए जो डीएनए है ये हमारा किससे मतलब कि फॉर्म है हमारा एस बैक्टीरिया से, जो कि कॉज क्या करता है हमारा आर बैक्टीरिया तो क्या हो जाता है ये ट्रांसफर हो जाता है। तो इन्होंने कंडक्ट किया था डीएनए जेनेटिक मटेरियल, तो इस एक्सपेरिमेंट प्रूफ किया था कि जो डीएनए होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है बाय अल्फर्ड हर्शी मार्था क्लासेस इन 1952 जिन्होंने वर्क किया था हमारे वायरस जो इन्फेक्टेड किया था बैक्टीरिया में, तो इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है। तो इनमें क्या था कि वन इन प्रिपरेशन में जो प्रोटीन था ये हमारा रेडियो एक्टिव नेचर में था, और जो हमारा जो अदर क्या था न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए है, और ये किससे बना है, रेडियो एक्टिव से बना है। तो इनमें जो था इनमें दो फेजेस थे जो कि इन्फेक्ट कर देता है हमारा कल्चर ई कोली, बच्चों एक बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इन्फेक्शन करता था सेल्स में ई कोली, जो कि जनरली एरिगेट हो जाता था बैलेंडर में और एड्रिंग हो जाता फेस पार्टिकल में, और जो कल्चर प्लेट है वो सेंट्रीफ्यूज हो जाता है। हैवियर इन्फेक्शन की वजह से जो बैक्टीरियल सेल है ये प्लेटेड हो जाता है वाटर में, और वायरल पार्टिकल्स होते ही प्रेजेंट हो जाते हैं हमारे सुपर अटेंडेंट में। ये जो पाया जाता है ये सिर्फ हमारे बैक्टीरियोफेज होता है जो कि रेडियो एक्टिव नेचर के होता है, जो कि हमारा इफेक्ट कर देता है ई कोली वायलेंट एंड रेडियो एक्टिव। बच्चे जो बैक्टीरियोफेज होता है जिनमें कि रेडियो एक्टिव प्रोटीन कोड होता है जो कि मोस्टली इफेक्ट करता है हमारे ई कोली सुपरिनेंट कोड, जो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है ये शो करता है जो प्रोटीन है ये हमारा एंटर नहीं होता है बैक्टीरिया सेल में, जिसकी वजह से जो डीएनए है ये हमारा क्या है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है।
ठीक है बच्चों, मैं आपको एक डायग्राम मतलब कि एक उससे समझाती हूँ बच्चों। ये जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो क्या होता है कि एक बैक्टेरियो फेज लिया है और हमारे रेडियो एक्टिव लेबल DNA लिया है, ठीक है, जिसमें कि सल्फर पाया जाता है रेडियो एक्टिव बैक्टेरियो फेज में और हमारा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो जो बैक्टेरिया है ये हमारा इन्फेक्शन किया गया, ठीक है, एक सेल में, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, इनका ब्लडिंग हुआ है, ठीक है, ब्लेंडिंग हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, सेंट्रीफ्यूज हो गया। तो इनमें क्या था कि इनमें जो रेडियोएक्टिव सल्फर है डिटेक्ट एज अ सुपरपिगमेंट हो गया और इनमें क्या हुआ कि डिटेक्ट नहीं हुआ एज अ सुपरपिगमेंट। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट क्या प्रूफ हुआ कि DNA जो होता है एक जेनेटिक मटेरियल होता है। सो बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जेनेटिक मटेरियल का क्या क्या होता है, ठीक है। जो मतलब कि ये जो होता है ये जनरेट कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, रेप्लिकेशन ऑब्वियसली बात है। और जो ये हो जो होते हैं केमिकल और स्ट्रक्चरल स्टेबल होते हैं, ठीक है। और जो ये जो हो प्रोवाइड कराते हैं इसको स्लो चेंज करते हैं, म्यूटेशन जो रिक्वायर्ड होता है हमारे इवोल्यूशन के लिए, चेंजेस इवोल्यूशन मतलब कि चेंजेस जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है। और जो ये जो मतलब कि ये जो एबेबल होते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम मेंडेलियन कैरेक्टर भी कह सकते हैं। जो DNA है ये हमारा केमिकली लेस रिएक्टिव है बट स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल कंपेयर करें तो RNA से, ठीक है। जो DNA है ये बेटर जेनेटिक मटेरियल है और RNA की बात करें तो ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है बट जेनेटिक मटेरियल भी है और ये हमारा कैटलिस्ट और मोर रिएक्टिव है और लेस स्टेबल है। जो DNA है ये हमारा सॉल्व है RNA से, ठीक है। और जो रेप्लिकेशन DNA है ये वास्टन क्रिक ने दिया था जो कि टू स्टैंडर्ड DNA जो कि सेपरेट करते हैं, जो सेपरेट है एक दूसरे से, जो एक्ट होते हैं एज अ टेम्पलेट फॉर सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, ओके बच्चों। और आफ्टर कॉम्पिटिशन ऑफ रेप्लिकेशन जो DNA मॉलिक्यूल्स है ये हमारा वन पेरेंटल से दूसरे न्यू सिंथेसिस कर देते हैं स्टैंड में, जो कि एक मेथड है हमारा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ओके बच्चों। जो मेंसलिप स्टैंडलर जो थे इन्होंने एविडेंस था हमारा सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का जो ग्रो होता है हमारा इकोली जो कि एक न्यूट्रिटिव मीडियम में थे, ठीक है, जो मोस्टली 15 NH4 CL जो लेब था हमारा मतलब कि लेबल्ड किया गया था हमारा उस रेडियो एक्टिव 15 नाइट्रोजन से, जो 15 नाइट्रोजन था ये हमारा क्या था कॉपरेटेड था दोनों स्टैंड में जैसे कि DNA, और हमारा DNA जो था वो हायर था जो ऑप्टेन मतलब कि जो हमें मिला था जो ई कोली ग्रो हो गया था ये हमारे मीडिया में, ठीक है, जो कि हमारा 14 नाइट्रोजन था जो ये ट्रांसफ़र किया था ई कोली सेल हमारे मीडियम में 14 नाइट्रोजन आफ्टर वन जनरेशन। तो क्या देखा गया मल्टीप्लाई हो गया दो में तो ये आइसोलेट हो गया DNA और एबुलेट हो गया हमारा डेंसिटी। तो डेंसिटी में ये देखा गया है कि जो इंटरमीडिएट था ना हमारे 15 नाइट्रोजन और DNA में ये हमारा लाइटर हो गया था 14 DNA से मतलब कि 14 नाइट्रोजन से DNA तक, क्यों, क्योंकि ड्यू टू रेप्लिकेशन जो न्यू मॉलिक्यूल है ये हमारा 15 नाइट्रोजन था, ये ओल्ड स्टैंडर्ड थे, ठीक है बच्चों। ऐसे करके अब हम पढ़ेंगे रेप्लिकेशन। बच्चों रेप्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हर साल पेपर में आता है। तो रेप्लिकेशन क्या होता है बच्चों, रेप्लिकेशन हम मतलब कि रेप्लिकेशन ऑफ DNA, इनमें क्या होता है कि इनमें चाहिए होता है हमारा एंजाइम DNA पॉलीमराइज एज अ कैटलिस्ट जो कि हमारा पॉलीमराइजेशन करता है इन स्टैंडर्ड जो कि 3 से 5 स्टैंडर्ड तक जो कि हेल्प करता है हमारा हेलिकेस एंजाइम के लिए, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जो रेप्लिकेशन होता है ये हमारा कंटिन्यू करता है स्टैंडर्ड डिसकॉन्टिन्यूस और सिंथेसिस करता है हमारा ओका जाकी फ्रैगमेंट जो कि हमारा जॉइन होता है एंजाइम जिसको हम क्या बोलते हैं DNA लाइसेस बोलते हैं, ओके बच्चों। अब है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसक्रिप्शन की मदद से तो हम क्या बना सकते हैं, हम mRNA बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। बच्चों जो इनमें जो क्या होता है ट्रांसक्रिप्शन में एक प्रोसेस होता है जो कॉपिंग करता है हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक स्टैंड से मतलब एक DNA से RNA तक। तो इनमें क्या होता है जो हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है ये हमारा वन सेगमेंट में होता है जो कि हमारा वो कॉपीड होता है RNA में। तो एंडोसिन फ्रेगमेंट होता है बेस पेयर का और यूरेसिल होता है हमारा थायमिन। जो ट्रांसक्रिप्शन होता है जो DNA इंक्लूड होता है एज अ प्रमोटर जो स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। तो इनमें क्या होता है कि जो स्टैंड होता है पोलरिटी होता है 3 से 5 तक जो एक्ट होता है बच्चों एज अ टेम्पलेट स्टैंड और जो अदर होता है इसको कोडिंग स्टैंड। तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो ना, एक होता है हमारा टेम्पलेट स्टैंड, दूसरा
अच्छा होता है कोडिंग स्टैंड, एक होता है प्रमोटर, एक होता है टर्मिनल। ठीक है बच्चों, तो ये क्या होता है कि जो प्रमोटर होता है ये हमारा लोकेटेड होता है 5' में, और जो हमारे बाइंड होता है एंजाइम, ठीक है, आरएनए पॉलीमराइज, जो कि स्टार्ट होता है ट्रांसक्रिप्शन। जो सिग्मा फैक्टर होता है ना, ये हेल्प करता है, इनिशिएशन करता है ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कि जो ट्रांसमीटर जो मतलब कि ट्रांसनेटर जो होता है ये लोकेटेड होता है हमारे 3' में, जिसकी वजह से जो कोडिंग स्टैंड होता है यूजली मतलब कि यूजली ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसकी वजह से रोहो फैक्टर होता है बच्चों, इंपॉर्टेंट है। जो रोहो फैक्टर होता है वो बाइंड कर देता है हमारे टर्मिनेटेड ट्रांसक्रिप्शन को। बच्चों आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, जो प्रमोटर होता है आरएनए होता है, ठीक है, जो सिग्मा फैक्टर जो प्रमोटर होता है जिसकी वजह से आरएनए जो उसको बाइंड कर देता है, ठीक है, डबल हेलिक्स में। इनिशिएशन में क्या होता है कि जो आरएनए है वो हमारा उसमें सिग्मा रह जाता है और आरएनए चला जाता है, और जो कि हमारा सेकंड प्रोसेस है इलोंगेशन, और जो थर्ड प्रोसेस है टर्मिनेशन, उनमें आरएनए और जो आरएनए पॉलीमराइज होता है रो फैक्टर में आ जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो होता है इनमें क्या होता है कि जो एक्सोन होता है ये हमारा एक सिक्वेंस होता है बच्चों। जो एक्सोन होता है ना ये हमारा एक सीक्वेंस होता है जिनमें कि मैच्योर और प्रोसीड होता है आरएनए में हेल्प करता है। जो एक्सोन होता है ये हमारा इंटरप्ट करते हैं एज अ इंट्रॉन में। तो जो इंट्रॉन होता है ये हमारा पेयर होता है मैच्योर में, जिसकी वजह से प्रोसेस होता है हमारा आरएनए। बच्चों जो यूकैरियोटिक होता है ना, यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनेल जिसमें कि थ्री डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जिस जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो एज अ कैटलाइज बिहेव करता है और सिंथेसिस करता है हमारे ऑल टाइप आरएनए को। जो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरएनए पॉलीमरेज सेकंड एमआरए आरएनए पॉलीमरेज और हमारा थर्ड है टीआरएनए। ठीक है, तो ये जो क्या होता है कि जो आरएनए होता है ये प्रोवाइड कराता है एक टेम्पलेट, और जो हमारा जो टीआरएनए होता है ये हमारा एक एमिनो एसिड, और जो रीड करता है जेनेटिक कोड को, और जो आरएनए जो होता है ये प्ले करता है हमारा स्ट्रक्चर और कैटालिटिक रोल करता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। तो जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन होता है जिसमें कि हमारा दोनों होते हैं एक्सोन और इंट्रॉन, जिसके वजह से जो नॉन फंक्शनल होते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस में स्प्लिसिंग होता है हमारे इंट्रॉन का, जो रिमूव्ड होता है एक्सोन और ज्वाइन हो जाता है हमारे ऑर्डर में डी ऑर्डर में। तो जो एच हार्मोन मतलब कि एच आर एन ए जो एक हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आर एन ए होता है, जो कि हमारा अंडरगो करता है एडिशन प्रोसेसिंग होता है, जिसको जो कि हेल्प करता है हमारा कोडिंग और टेलिंग में। ठीक है, जो कैपिंग होता है हमारा यूजली जो न्यूक्लियोटाइड गैनोसाइन ट्राइस फॉस्फेट, जो हमारा किस एंड में होता है 5' से लेकर एच एन आर एन ए में होता है बच्चों। अब है हमारा जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड में क्या होता है कि जेनेटिक कोड का एक रिलेशनशिप है हमारा एमिनो एसिड सिक्वेंस का एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, या फिर पॉली न्यूक्लियोटाइड या फिर बेस सिक्वेंस में हमारे एमआरएनए में, जो कि सिक्वेंस होता है एमिनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। बच्चों को साइलेंट फीचर देख लेते हैं जेनेटिक कोड का। तो इनमें क्या होता है कि कोड होता है जो 61 कोड होता है, जो कि एमिनो एसिड से मतलब कि एमिनो एसिड जो होता है 3 कोड होता है, जो कि कोड करते हैं हमारे एमिनो एसिड जो स्टॉप करता है स्टॉप कोडन होता है, ये हमारा UAG, UC, UGA और UAA, जो कि हमारा क्या होता है बच्चों स्टॉप कोडन होता है। ठीक है, और जो हमारा जो कोडन होता है ये हमारा यूना बिगस होता है, और स्पेसिफिक कोड होता है जो कि हमारे 1 एमिनो एसिड में, और जो ये कोड होता है ये जनरेट होता है मोस्टली, और जो एमिनो एसिड होता है कोड होता है हमारे 1 मतलब कि एक से अधिक कोड से। ठीक है, और जो कोड होता है ये हमारा रीड करता है एमआरएनए, जो कि कॉन्टिजियस फैशन में विदाउट एनी पंक्चुएशन, और जो कोड होता है ये हमारा यूनिवर्सल होता है AUG होता है, ये ड्यूअल फंक्शन का होता है। जो कोड होता है ये माइथोनिन होता है, जो एक्ट करता है एज अ इनहिबिटर कोडोन। ओके बच्चों, अब है हमारा म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड में। तो इनमें क्या होता है कि एक चेंज हो जाता है हमारे सिंगल बेस पेयर में, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, और जो हमारा 6 पोजीशन होता है बच्चे, जो 6 पोजीशन होता है उसको हम क्या कहते हैं
उसको हम कहते हैं बेटा ग्लोबिन चेंज, जो कि हेमोग्लोबिन जो होता है वो चेंज हो जाता है हमारा एमिनो एसिड और रिजल्ट करता है एज अ ग्लूटामेट टू वैलिन, ठीक है। जो उसके रिजल्ट क्या होता है बच्चों, इसका रिजल्ट होता है हमारा सिकल सेल अमोनिया, ठीक है। जो बच्चों हमारा जो मतलब कि इंसर्टेशन करते हैं, डिटेक्शन करते हैं थ्री मल्टीप्लाई बेस पेयर इंसेक्ट जो डिलीट हो जाता है हमारे मल्टीप्लाई कोडाउन, जो कि वन और मोन एमिनो एसिड जो रीड करता है हमारे फेन अल्टरनेट होता है हमारे पॉइंटर्स में, तो इनमें जो म्यूटेशन होता है तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेम शीट इंटरसेशन। और जो टी आर एन ए एडेप्टर होता है ये हमारा क्या होता है, ये आर एन ए होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हम इसको एडेप्टर मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है बच्चों। जो एंटी कोडन लूप होता है ये हमारा कॉन्टीमेंटल होता है, जो कि प्रेजेंट होता है हमारे mRNA में, जो कि जिसमें कि अमीनो एसिड एक्सेप्टर होता है, और जो अमीनो एसिड होता है ये हमारे टीएनए होता है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है tRNA का, ये डिस्पेस होता है हमारे क्लोवल लीफ में, ठीक है। और जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ये tRNA होता है बच्चों, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस। ट्रांसलेशन में प्रोसेस में क्या होता है कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस होता है हमारा पॉलीमराइजेशन होता है अमीनो एसिड का, जो कि क्या बनता है, जो कि हमारा पॉलीपेप्टाइड बनता है, ठीक है। एक सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का जो रिफाइन, जो कि हमारा बेस पेयर होता है mRNA का, जिसके वजह से जो अमीनो एसिड है वो हमारा ज्वाइन होता है पेप्टाइड बॉन्ड से, जिनमें इन्वॉल्व होता है हमारा tRNA। और ये क्या बनाते हैं, ये हमारे पेप्टाइड बॉन्ड से दो tRNA बनाते हैं, और ये स्टार्टिंग कोडन होता है AUG। जो mRNA होता है ये हमारा सीक्वेंस होता है और ट्रांसलेटेड होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रा स्टार्टेड रीजन, ठीक है। जो इनिशियल राइबोस होते हैं बाइंड होता है mRNA स्टार्ट कोडन से, जो राइबोस होता है रिमूव कर देता है कोडन को, कोडन mRNA जो एलोंगेशन होता है प्रोटीन चेन का, ठीक है। जो एडर रिलीज़ करता है बाइंड, मतलब कि फैक्टर बाइंड फैक्टर स्टॉप कर देता है टर्मिनेटर ट्रांसलेशन, जो रिलीज़ करता है हमारे पॉलीपेप्टाइड क्या बनाते हैं, राइबोस बनाते हैं बच्चों। ये देखो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। अब है हमारा रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। तो इनमें क्या होता है कि जितने भी जीन है ये हमारा कॉन्सेंट होता है, जो जीन होता है ये मतलब कि चाहिए होता है रेगुलेटरी जीन के वजह से, जो हम बना होता है हमारा नॉन फंक्शनल और अदर टाइम, ठीक है। जो जीन होता है ये ऑन ऑफ का एक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। अब है हमारा लैक ऑफ रेन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है। जो लैक ऑफ रेन है इनमें क्या होता है कि इनमें जो होता है ये वन रेगुलेटरी जीन होता है, जिसमें थ्री स्ट्रक्चरल जीन होता है YZA और जीन I होता है, ये रेस्पिरर होता है, और जो लेक होता है, ठीक है। जो जेड जीन होता है ये कोड करता है हमारे बीटा गैलेक्टोसाइड्स, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हाइड्रोलिसिस डाइसैचुरेट, जो लैक्टोज होता है मोनोमेरिक यूनिट, और गैलेक्टोज जो कि ग्लूकोज में। और जो जीन होता है वाई कोड फॉर प्रिमेज, जो इंक्रीज कर देता है हमारे पर्मेबिलिटी ऑफ सेल। एक जीन होता है ये अनकोड कर देता है ट्रांसलेट, ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। बच्चों अब है हमारा मतलब कि अब जो लैक्टोज होता है ये सब्ट्रैक्ट होता है बेटा गैलेक्टोसाइड में, जिसकी वजह से रेगुलेट हो जाता है ऑन ऑफ ऑफरेन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम इंड्यूसर बोलते हैं, ठीक है। जो रेगुलेशन होता है हमारा ऑफरेन का ये रेस्पिरेशन होता है रिफर करते हैं एज अ नेगेटिव रेगुलेशन। जो ऑफरेन होता है लैक ऑफरेन होता है ये जिसमें कंट्रोल होता है हमारा पॉजिटिव रेगुलेशन। बच्चों ह्यूमन जीमियन प्रोजेक्ट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें क्या होता है कि ह्यूमन जीमेनियो प्रोजेक्ट होता है जो लॉन्च हुआ था 1919 में, जो कि फाइंड करते हैं हमारे DNA सीक्वेंस हमारे ह्यूमन जीमेनियो, जिसके से जेनेटिक इंजीनियर की मदद से, ठीक है, जिसमें कि जो बायो इन्फॉर्मेटिव जो आइसोलेट करते हैं हमारे DNA सेगमेंट और डिटरमाइन करते हैं DNA सीक्वेंस, जिसको गोल ऑफ HGP। तो इनमें क्या करते हैं, इनमें जो कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो पहला है आइडेंटिफाई करते हैं सारे जीन्स को, फिर सेकेंड है हमारा डिटरमाइन करते हैं सीक्वेंस ऑफ बिलियन केमिकल बेस पेयर, तीसरा है स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन डाटाबेस, इम्प्रूव करते हैं हमारा डाटा एनालिसिस, और ट्रांसफ़र करते हैं हमारे इन्फॉर्मेशन एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर का। और जो ये जो होता है ये एड्रेस करते हैं लीगल इथिकल सोशल इश्यूज, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जो ये जो होता है USA की डिपार्टमेंट था, ठीक है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो कि जिस मेथड से जो अप्रोच किया गया था जीन को, जिसको एक्सप्रेस सीक्वेंस बोलते हैं, जो सेकंड सीक्वेंस होता है ये हमारा जीनोम कंटेनिंग होता है,
ठीक है बच्चों, साइलेंट फीचर देख लेते हैं। जो ह्यूमन जेमिनो होता है ये हमारे 3164 मिलियन न्यूक्लियो बेस पेयर होते हैं, और ये एवरेज जीन होता है 3000 बेस होते हैं, और जिसका साइज होता है बहुत बड़ा होता है। जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन होता है ये मोस्टली ड्राइसोफिन में पाया जाता है, एटलीस्ट 2.4 मिलियन बेस। और जो 2% जो होता है ये जीमोन जो ऑर्डर होता है हमारे प्रोटीन में। जो रिपीटेड सीक्वेंस होता है ये बहुत लार्ज होता है, जो रिपीटेड सीक्वेंस होता है ये डीएनए में पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब है बच्चों हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो इनमें क्या होता है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंट के मदद से एक मेथड होता है, ठीक है, जो कि हम किसी भी इंडिविजुअल्स का डीएनए फाइंड कर सकते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये बहुत क्विकली कंपेयर कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंस को दो इंडिविजुअल्स में, ठीक है। तो ये जो इनमें क्या क्या होता है, ये डिफरेंस होता है स्पेसिफिक डीएनए जिसको हम रेपेटिव डीएनए कहते हैं, क्योंकि ये स्मॉल स्ट्रेच डीएनए होता है, ठीक है, बहुत है, और ये डिपेंड होता है हमारे कंपोजिशन लेंथ, ठीक है। और ये जो पॉलीमॉर्फिन डीएनए होता है ना, ये हमारे बेसिक जेनेटिक मटेरियल होता है ह्यूमन में। और जो जेमोन होता है ये हमारे फिंगरप्रिंट कहते हैं। इस टेक्निक की मदद से जो इनिशियली जो क्या कहते हैं बच्चों, जो फिंगर प्रिंटिंग है ये हमारे किन ने दिया था, ये हमारे एलेक्स जेफरी ने दिया था, जिन्होंने यूज़ किया था सैटेलाइट डीएनए स्पोर जो कि हाई पॉलीमरेज़ में, जो कि वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट्स। तो इनके कुछ स्टेप्स है जिसकी मदद से हम डीएनए फिंगरप्रिंट की मदद से हम डीएनए फाइंड कर सकते हैं बेस पेयर, जो कि मोस्टली यूज़ होता है आजकल क्रिमिनल है उसको फाइंड करने के लिए और भी लोगों से, ठीक है, जैसे कि मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये इसका डॉटर है या नहीं है, इसका सन है या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा जो बेस पे डीएनए है हमारा कहाँ कहाँ पाया जाता है, हमारे हेयर में पाया जाता है, नेल्स में पाया जाता है, ब्लड स्टेन में पाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो इसका कुछ स्टेप्स देख लेते हैं जो डीएनए फिंगरप्रिंट का। तो पहला स्टेप है बच्चों आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो जो पहले तो आइसोलेट जो उठाया डीएनए को, ठीक है, उसको फिर क्या किया, उसको डाइजेशन किया डीएनए को विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम की मदद से। फिर क्या किया, उनको सेपरेशन किया डाइजेस्ट फ्रेगमेंट को, फिर फ्रेगमेंट साइज में, और फिर इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रो प्रोसेसेस। फिर जो ब्लोटिंग हुआ हमारा सेपरेट हुआ फ्रेगमेंट, ठीक है, सिंथेटिक मेम्ब्रेन जो कि हमारा क्या था नायलोन की मदद से किया, ठीक है। फिर हाइब्रिडाइजेशन किया उस फ्रेगमेंट को, फिर विद द हेल्प ऑफ VNTR प्रोब्स, ठीक है, और फिर बच्चा जिसका फुल फॉर्म है हमारा नंबर ऑफ टेंडन रिपीट्स, ठीक है। तो इनमें क्या था कि जो एनालाइज किया गया था हमारे हाइब्रिड फ्रेगमेंट को, जिसके वजह से जो कि हमारा एक प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। इसके मदद से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, जीन मतलब कि डीएनए फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला था हमारा आइसोलेशन ऑफ डीएनए, दूसरा था हमारा डाइजेशन ऑफ डीएनए विद द हेल्प ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, फिर सेपरेशन किया गया विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोप्रोसेस, फिर ब्लोटिंग सेपरेशन किया गया हमारे फ्रेगमेंट को जिसको विद द हेल्प ऑफ नायलॉन, और फिर हाइब्रिडाइजेशन किया गया था हमारा जो कि VNTR प्रोब्स होते हैं, फिर एनालाइजिंग किया गया था हमारे फ्रेगमेंट को जिसको क्या बोलते हैं, ऑटो रेडियोग्राफी बोलते हैं, ओके बच्चों, जिसके मदद से हम डीएनए फिंगरप्रिंट आइडेंटिफाई कर सकेंगे, ओके बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।